हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, चैप्टर फर्स्ट में हमने ये क्वेश्चंस इसकी टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स और ये मेक द सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे, और आज बच्चों हम करेंगे इन क्वेश्चंस आंसर को। ओके तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द एलिफेंट्स मदर कुड नॉट लुक आउट फॉर हरसेल्फ। मतलब व्हाई डिड द एलिफेंट्स मदर, एलिफेंट की माँ कुड नॉट, नहीं देख सकती थी, नहीं देखभाल कर सकती थी, लुक आउट ऑफ हर सेल्फ अपनी, यानी एलिफेंट की जो माँ है वो अपनी देखभाल क्यों नहीं कर सकती थी। कुड नॉट, नहीं सकती थी, कैन यानी सकता है और कुड यानी सकती थी, पास्ट में होता, कैन कुड तो प्रेजेंट में होता है और कुड पास्ट का होता है, ठीक है। तो बच्चों क्यों नहीं कर सकती थी वो अपनी देखभाल, तो आपको बताया क्योंकि वो जन्म से ही, जब पैदा हुई थी तभी से कैसी थी, वो अंधी थी और कमजोर थी। तो हम लिख देंगे इसमें, बिकॉज सी हैड ग्रोन ब्लाइंड एंड फीबल। ओके यानी वो जन्म से ही कैसी थी, वो ब्लाइंड और फीबल थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द एलिफेंट डिसाइड टू लीव द हर्ड। एलिफेंट ने क्यों डिसाइड किया, व्हाई डिड एलिफेंट डिसाइड, एलिफेंट ने क्यों डिसाइड किया टू लीव द हर्ड, उस अपने झुंड को छोड़ना क्यों डिसाइड किया। बिकॉज क्योंकि आपको बताएं उसके जो मैसेंजर्स थे है ना, वो सारा खाना खा जाते थे और उसकी माँ को भूखा रहना पड़ता था। तो बिकॉज हिज मदर, क्योंकि उसकी माँ हैड टू स्टार्व, भूखा रहना पड़ता था, हैड टू पड़ता था, स्टार्व भूखा रहना पड़ता था, किसकी वजह से, मैसेंजर्स की वजह से। तो ड्यू टू मैसेंजर्स, मैसेंजर्स की वजह से उसकी माँ को भूखा रहना पड़ता था। हाउ डिड द एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एलिफेंट हेल्प, एलिफेंट ने कैसे हेल्प की द फॉरेस्टर, उस फॉरेस्टर कैसे हेल्प की। तो देखो इसका आंसर है बच्चों, देखो आप देख रहे हो ये थर्ड वाला है, तो इसका आंसर है ये रहा, ठीक है। आप देख रहे हो इधर थर्ड लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे लिफ्टेड से पहले एक लाइन ऐड करनी है, छोटी सी लाइन भी नहीं है, बस एक द वाइट एलिफेंट। ओके द वाइट एलिफेंट लिफ्टेड हिम ऑन टू हिज बैक, उस वाइट एलिफेंट ने उस आदमी को अपनी पीठ पर बिठाया एंड कैरिड हिम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के किनारे तक ले गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से फॉरेस्टर वेंट ऑन द क्विकली बैक टू द मेरिली बैक टू द बनारस, जहाँ से वो खुशी खुशी बनारस चला गया था। तो ये थर्ड वाला आंसर है। ओके ये आपको करना है, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डिड द फॉरेस्टर लीड द सोल्जर्स, हाउ डिड द फॉरेस्टर लीड द सोल्जर्स एंड एलिफेंट ट्रेनर्स टू द एलिफेंट हैबिटेट। मतलब उस फॉरेस्टर ने कैसे गाइड किया, कैसे लीड किया सोल्जर्स और एलिफेंट ट्रेनर्स को, कहाँ तक जाने के लिए, एलिफेंट के हैबिटेट तक, आवास तक जाने के लिए। तो बच्चों इसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। देखो, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों के घूमने के बाद द ग्रुप रीच्ड द लेक बिसाइड्स विच द एलिफेंट रेसिडेंट। तो वो लेक के पास पहुंच जाते हैं, दे स्लोली क्रेप्ट डाउन टू द एज ऑफ द लेक, वो नदी के किनारे, वो झील के किनारे धीरे धीरे उतरते हैं एंड हाइड बिहाइंड द बुशेस, और झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तो यहीं तक है, ओके ये वाला फोर्थ में करना है आपको, ओके फोर्थ वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द किंग सेट द एलिफेंट फ्री, एलिफेंट ने किंग ने एलिफेंट को क्यों फ्री किया। तो इसका आंसर है यहाँ पे, द कंपेंसनेट दयालु राजा ने वॉज टच्ड बाय द स्टोरी ऑफ एलिफेंट, है ना। तो एलिफेंट की स्टोरी से बहुत वो टच हो गया था, है ना, फील हो गया था उसको। तो एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू ब्लाइंड ओल्ड मदर एंड टेक केयर ऑफ हर सन, ही हैड बीन डूइंग ऑल अलोंग, ठीक है। तो ही सेट हिम फ्री इन लव एंड काइंडनेस, इस तरह से उसने फ्री कर दिया। ये फाइव वाले का आंसर है।
ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोट बुक करने हैं और सबमिट कराने हैं आज ही। ओके, और आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है, लर्न करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके संडे को एमसीक्यूज होंगे एनी टू सब्जेक्ट्स में। आज मैं अनाउंसमेंट में डाल दूंगा किन सब्जेक्ट्स के होंगे, तो आपको होमवर्क करने के साथ साथ याद करना भी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इस बार की जो परसेंटेज थी वो तो केवल असाइनमेंट के बेसिस पे थी। नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट की भी आएगी और टेस्ट की भी आएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा।